नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार टुडे में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जी हां, आज समाजवादी पार्टी की कलह का दौर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी इस वक्त दो और तीन फाड़ में बढ़ चुकी है। एक तरफ मुलायम सिंह यादव हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, एक तरफ शिवपाल सिंह यादव हैं तो दूसरी तरफ अमर सिंह यादव हैं। समझ नहीं आ रहा है कि जो पार्टी की कलह है इससे उत्तर प्रदेश को क्या कुछ मिलने वाला है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पर समाचार टुडे लगातार कवरेज कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अखिलेश ने अब मुलायम सिंह यादव के पास सुलह के लिए कई शर्तें रखी हैं। अखिलेश ने कहा है कि अब आपको अगर सुलह करनी है तो इन शर्तों को आपको मानना होगा। 12 सितंबर से पहले के हालातों को भी बहाल करने की बात यहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ही मुलायम सिंह यादव का परिवार बिखर चुका है और इस बिखरते हुए परिवार को समेटने की कवायद लगातार चल रही है। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को अनुशासनहीनता के आरोप में बेटे अखिलेश और अपने चचेरे भाई रामगोपाल यादव को सस्पेंड कर दिया। और इस सस्पेंशन के बाद क्या कुछ हुआ वो सब हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। कुछ दिनों से आपने अनुशासनहीनता के अनेक कृत्य किए हैं और इस सूचना को जारी करके आपने न सिर्फ घोर अनुशासनहीनता की है बल्कि पार्टी को भारी आघात पहुंचाने और पार्टी की कमजोर करने का काम किया। इन स्थितियों में आपको पार्टी की समस्त पदों पर सदस्यता से राजनीति करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। हम प्रोफेसर रामपाल से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते हैं। उन्होंने पार्टी को बहुत कमजोर किया है और चुनाव के वक्त ऐसी समस्या जानबूझ के पैदा की है। और मैं जो बताऊंगा दूसरी बात को, और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं वो नहीं समझ रहे। मुख्यमंत्री जी का भविष्य ही खत्म कर रहा है ये प्रोफेसर आपा। पता चला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन से है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता है। अखिलेश का भविष्य को खत्म करना ही रामपाल, क्या आप नहीं समझ रहे? इससे अखिलेश का भविष्य खत्म कर रहा है ये रामपाल। और ये मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहा है कौन बना रहा था मुख्यमंत्री ने। कोई भी बता दे बना रहा हो, कोई भी, हमने खुद बना दिया, क्यों इसे अभी बना दो फिर कोई मौका मिलेगा नहीं। हम लोग नेताजी से अनुरोध करते हैं कि इस फैसले को वापस लें तत्काल, नहीं तो ये जुलूस एक विशाल धरने के रूप में कायम होगा। और हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि भगवान सही समय पे नेताजी को सद्बुद्धि दे। वापस ले ना ले, फैसला जो लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप इससे और मजबूत होंगे, उनको पार्टी में ले ना ले। प्रदेश के नेता है अखिलेश यादव और वही नेता रहेंगे। पार्टी में रहना रहना है, पार्टी में रहना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी निर्विवाद नेता और प्रदेश के सबसे बड़े नेता है। लग रहा है कि पार्टी में कुछ आपको लेकर के शुरुआत से चर्चा हुई कि क्यों? नहीं नहीं, ये कोई ये नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है। अगर हम कहीं से हो जाए तो हम पीछे हटने को तैयार हैं। आप चाहते हैं पार्टी ना टूटे? नहीं, पार्टी ना टूटे, नहीं पार्टी ना टूटे। देखिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए तो हम लोग नवासी से लगातार विधायक हो रहे हैं। हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी नहीं बनाया। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि रामगोपाल अखिलेश यादव का भविष्य खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को, समाजवादी पार्टी को किसी भी हाल में टूटने नहीं दूंगा। अगर अनुशासनहीनता की जाएगी तो इसका जवाब मुलायम सिंह यादव जरूर देंगे। वहीं अगर बात करें रामगोपाल यादव की, तो इस सस्पेंशन के बाद, इस निष्कासन के बाद रामगोपाल यादव ने यहां तक कह दिया कि मुलायम सिंह यादव लगातार पार्टी में असंवैधानिक काम कर रहे हैं, लगातार संविधान के खिलाफ जाकर वो फैसले ले रहे हैं, इसलिए रामगोपाल यादव और अखिलेश को खुद एक बैठक बुलानी पड़ी। क्या कुछ कहा रामगोपाल यादव ने, आप सुनिए। निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि नोटिस देने के आधे घंटे के अंदर दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। नोटिस दिया जाता है तो उस पर जवाब मांगा जाता है, जवाब बिना लिए, बिना दूसरे पक्ष को सुने,
बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और की जाती है तो न्यायालय उसको रद्द कर देता है। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े कि नोटिस मिला, जवाब मिला नहीं, जवाब और उससे पहले ही निकाल दिया गया। तो ये असंवैधानिक है। ज्यूरिसप्रूडेंस के न्याय शास्त्र का जो नैसर्गिक नियम है उसके अनुसार भी बिना किसी की के पक्ष को सुने हुए आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये जो कार्रवाई की है मुख्यमंत्री के खिलाफ और मेरे खिलाफ, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और गलत तथ्यों के आधार पर है। सर आपका ये कहना है कि निष्कासन जो आपका हुआ है वो असंवैधानिक है, नेताजी का ये कहना है कि आपने जो सम्मेलन जो भी बुलाया है वो बिना उनकी अनुमति के बुलाया गया, तो वो भी आपने असंवैधानिक ही करी। देखिए ऐसा है कि इस पार्टी में लगातार शीर्ष स्तर से असंवैधानिक काम हो रहे हैं लगातार, और पार्टी का अध्यक्ष अगर असंवैधानिक काम करे तो सम्मेलन कौन बुलाएगा? फिर तो सम्मेलन तो जनप्रतिनिधियों की मांग पर बुलाया ही जाएगा। अगर सबसे बड़ा आदमी काम करे, एक बार भी पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक नहीं हुई हो, कैसे ये सूचियां डिक्लेयर हो गई? संविधान में है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी में था, एक भी मीटिंग नहीं हुई, दिखाएं कहां है मीटिंग, फिर कैसे पार्टी के उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए? तो सारा काम असंवैधानिक हो रहा है। उस असंवैधानिक कार्य को ही ठीक करने के लिए कार्यकर्ताओं की जब मांग आई, मेरे पास लिख के हजारों लोगों ने लिख के दिया, डेलीगेट्स ने, तब ये मीटिंग बुलाई गई। और आपातकालीन मीटिंग के लिए कोई टाइम वाइम नहीं होता है। मुलायम सिंह यादव के समर्थक और अखिलेश यादव के समर्थक दोनों के घरों के पास जुट चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें, रात में ही अखिलेश अपना सरकारी आवास खाली करके अपने निजी आवास पर पहुंचे। हालात बेहद अलग है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता है जो अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो कार्यकर्ता है जो मुलायम सिंह यादव का समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये देखा जाए, जिस 5 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को सत्ता सौंपी थी, और सत्ता सौंपने के बाद बेटे से उन्हें उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी को वो आगे लेकर जाएंगे, लेकिन आज जो हालात उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, जो समाजवादी कुनबे में दिखाई दे रहे हैं, उन हालातों से साफ पता चलता है कि पार्टी बिखर चुकी है, बाप और बेटा आमने सामने है। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं विपक्षी दलों की आ रही है, आप सुनिए। और इसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे है और गठबंधन की भी बात है, लेकिन इसी बीच में मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को निकाल दिया और नतीजा हुआ कि उथल पुथल मचा हुआ है यूपी में। हम काफी चिंतित हैं हम इस बात से, और इसलिए आज हम 8 बजे माननीय मुलायम सिंह जी को टेलीफोन किया और उनसे आग्रह किया कि सर्वोच्च नेता आप हैं, अखिलेश आपके पुत्र हैं, आपने इनको बनाया था, पार्टी को बनाया था, सब लोग मिलकर के बनाए थे पार्टी को, तो ये तो बिल्कुल बना बनाया खेल बिगड़ गया, इसको संभालने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। इसलिए अखिलेश जी से बुला के, उनसे बुला के आप बात करिए और मामला को खत्म करिए। ये बात हमने 8 बजे माननीय मुलायम सिंह जी को किया, तो वो उनका इशारा था कि वो बात नहीं किया है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया लगा के, दो बार बात हुई अखिलेश जी से, और हमने कहा कि संयम से काम लीजिए आप, तो संयम से और मीटिंग कर रहे हैं अपना विधायक दल का कर लीजिए, और माननीय मुलायम सिंह जी अपने पिता से जाके आप सीधे मिलिए, मिल के जो शिकायत है उसको बैठ करके और इस मामला को खत्म करिए, आगे बैठक ये बैठक वो बैठक ये ठीक नहीं है,
तो हमने मुलायम सिंह जी को फिर कह दिया कि हमने कहा है अखिलेश जी को आपसे मिलने के लिए, आप फोन करके बुला दीजिए। और फिर अखिलेश जी को भी हमने कम्युनिकेट किया कि नेताजी को हमने बता दिया है, तो सुना है कि अभी नेक्स्ट वो आजम साहब के साथ है, वो भी गए थे मुलायम सिंह जी की बैठक में, शायद उनसे बात हुई थी या नहीं, तो आजम खान जी लेकर के मुलायम सिंह जी के घर पर अखिलेश जी को गए हैं, हम होपफुल हैं। वहीं अगर बात करें सुलह की, तो सुलह को लेकर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पास पहुंचे और अपनी 207 उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने मुलायम सिंह यादव को सौंपी। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कुछ शर्तें मुलायम सिंह यादव के सामने रखी, ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें फिर से पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, उन्हें पार्टी की अध्यक्षता दी जाए ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके। हालात कुल मिलाकर यह है कि जिस तरीके की उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता को थी, उस तरीके की उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए अखिलेश यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो एमएलए जो अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं उन्हें अपना चुनावी भविष्य दिखाई दे रहा है। और अगर नैतिकता की बात करें तो जिस बाप ने 5 साल पहले अपने बेटे को सत्ता सौंपी थी, वो बाप आज थोड़ा सा अकेला सा दिखाई दे रहा है। हालात बेहद खराब है। समाजवादी पार्टी की कला कब खत्म होगी, इस बात का इंतजार सभी को है। सुलह की कोशिशें लगातार जारी है, क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव भी इस बात को कह चुके हैं कि अगर अखिलेश यादव माफी मांगते हैं तो वो देखेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पर अपनी शर्तों के साथ साथ बहुत कुछ मुलायम सिंह यादव के सामने रख दिया है। अमर सिंह यादव को पार्टी से निकालने की बात भी अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। अमर सिंह बाहरी हैं, वो पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, अमर सिंह यादव ने कहा था कि अखिलेश को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया था, उन्होंने कहा था कि रामचंद्र कह गए सियासत से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा राजनीति का सुख भोगेगा और बाप जंगल को जाएगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अमर सिंह ने किया। रामचंद्र कह गए सियासत से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा करेगा राज बेचारा, बाप जंगल को जाएगा। ये जो इस तरह की जो दुर्घटना हो रही है राजनीति की, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आदरणीय नेताजी से पूछकर, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया है, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं, मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के भी पिता हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी पिता। आज तो कुछ ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र का कह गए सियासे ऐसा कलयुग आएगा, बेटा करेगा राग बेचारा, बाप जंगल को जाएगा। ये जो इस तरह की जो दुर्घटना हो रही है राजनीति की, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आदरणीय नेताजी से पूछकर अपने परिवार के साथ अपने स्वास्थ्य के लिए लंदन आया हूँ। कल चाहकर के भी कोई जहाज नहीं है, अभी हमें सूचना मिली है संसदीय बोर्ड की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकता। मैं अपना पूरा समर्थन अपने नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी को देता हूँ। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके अवमानना पार्टी का अनुशासन भंग करने के समान है, और उनके विरुद्ध कितने भी बड़े लोग जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल असंवैधानिक, अनैतिक और गलत है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और फैक्ट्स के माध्यम से संसदीय बोर्ड को अपना यह मंशा अवगत कराने का भी मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। मैं अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी की इस विषम परिस्थिति में पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर हमारे नेता मुलायम सिंह के साथ बड़ी शिद्दत और मजबूती के साथ खड़े रहें। जय समाजवाद। समाजवादी पार्टी में हालात बेहद खराब हैं और इन हालातों को लेकर सपा नेता अबू आजमी का भी बयान आया है। अबू आजमी ने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी में दलाल भर्ती होते जा रहे हैं, दलाल अंदर घुसते जा रहे हैं, जो मुलायम सिंह यादव को पूरे तरीके से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालात है कि समाजवादी पार्टी की जो कला है पूरे देश के इस वक्त सामने है, पूरा देश देख रहा है कि जब सत्ता एक परिवार के हाथ में होती है तो फिर क्या हश्र होता है, सत्ता की खातिर किस तरीके से लड़ा जाता है, इस चीज का एग्जाम्पल, इस चीज का उदाहरण आज समाजवादी पार्टी हम सबको दे रही है। देश के सामने समाजवादी पार्टी उदाहरण रख रही है कि किस तरीके से सत्ता की खातिर बाप बेटे दोनों आमने सामने तलवार लेकर खड़े हुए हैं, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। बाप की अपनी शर्तें हैं, बाप के अपने कैंडिडेट्स हैं और बेटे के अपने कैंडिडेट्स हैं। हालात बेहद खराब है। बुधा जो जनता है उत्तर प्रदेश की जनता, वो इस वक्त पिस रही है, कशोमकश में है। जनता को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सब कुछ हो रहा है।
मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच सुलह के तीन फॉर्मूले सामने आए हैं। पहला है कि अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया जाए, दूसरा फॉर्मूला है अखिलेश यादव को पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाए और मुलायम सिंह यादव संरक्षक के तौर पर रहें, और तीसरा है 2 जनवरी को होने वाली बैठक को रद्द कर दिया जाए। आजम खान सपा का झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव को अपने साथ लेकर मुलायम सिंह यादव के घर भी पहुंचे। इन दोनों के साथ अबू आजमी भी मौजूद थे। हालात बेहद खराब है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ संवाददाता राजीव प्रताप सैनी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, आप किस तरीके से देखते हैं इन तमाम हालातों को? देखिए, जिस तरह का झगड़ा समाजवादी पार्टी में चल रहा है या जिस तरह से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे मैं दो तरह से देखता हूँ। सबसे पहला है कि जनरेशन गैप का झगड़ा है समाजवादी पार्टी में। मुलायम सिंह जी के बुढ़ापे की ओर बढ़ने के साथ साथ जो युवा पीढ़ी समाजवादी पार्टी में आई है, उसमें समाजवादी पार्टी पर वर्चस्व को लेकर एक लड़ाई है जो छिड़ी हुई है। दूसरे, जिन लोगों का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ, जैसे आजम खान है, अमर सिंह है, राज और रामगोपाल है, ये लोग भी चाहते हैं कि जो नई जनरेशन गैप आई है उनके साथ तारतम्य बिठाकर अपने आप को स्थापित रखें ताकि आगे इनकी राजनीति चलती रहे। लेकिन ये निश्चित रूप से एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है, लिखी हुई स्क्रिप्ट है जिस पर तमाम पात्र अपना अपना रोल किरदार अदा कर रहे हैं। जी, अगर राजीव जी, अगर हम इन पूरे हालातों की बात करें, जिस तरीके की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, एक तरफ पहले मुलायम सिंह यादव 325 उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर सामने आते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव अपने 235 उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर सामने आते हैं, उसके बाद फिर शिवपाल यादव भी एक लिस्ट लेकर सामने आते हैं, सब कुछ सामने है, लेकिन जनता को क्या समझना चाहिए कि वाकई में झगड़ा कुर्सी का है, कुर्सी के लिए लोग लड़ रहे हैं, या फिर कुछ और है इसके पीछे की वजह? देखिए, झगड़ा निश्चित रूप से कुर्सी का है और अखिलेश यादव में महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट और अलग अलग शेप में दिखाना चाहते हैं कि मुलायम सिंह और शिवपाल की जो राजनीति है जिसमें थोड़ा सा करप्शन का पुट है, शिवपाल पर जिस तरह के चार्जेज हैं कि उससे अलग तरह की राजनीति शिवपाल से अलग अखिलेश यादव करना चाहते हैं, वही एक मैसेज उत्तर प्रदेश में देना चाह रहे थे। इसमें जो एक वोट बैंक है उनका स्थापित वोट बैंक है, और उसमें निश्चित रूप से कल के घटनाक्रम के बाद में अखिलेश के प्रति एक सहानुभूति की लहर दिखाई दे रही है जिस तरह समाजवादी पार्टी का विघटन हुआ था। जी राजीव जी, अगर हम हालातों की बात करें, पिछले हालातों की और अब की बात करें, तो ये दिखाने की कोशिश बार बार की जा रही है कि अखिलेश जो है वो दागियों का समर्थन नहीं कर रहे, वो दागियों के खिलाफ हैं। लेकिन अगर हम अखिलेश की लिस्ट की बात करें तो अखिलेश की लिस्ट में बहुत सारे ऐसे दागी हैं जिन पर बड़े बड़े चार्जेस हैं, बड़े बड़े मुकदमे उन पर चल रहे हैं। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि जो अखिलेश यादव है वो दागियों के खिलाफ जा रहे हैं, ये सब कुछ दागियों के खिलाफ उजागर कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो काजल की कोठरी में 70 दाग हैं, लेकिन अखिलेश यादव को अपने दागी बड़े साफ सुथरे नजर आते हैं, उसी प्रकार शिवपाल जी को अपने दागी साफ सुथरे नजर आते हैं। दोनों एक दूसरे की दागियों में खोट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो गायत्री प्रजापति को लेकर रुष्ट हैं, तो शिवपाल यादव इनके मंत्रियों को लेकर रुष्ट हैं। दोनों एक दूसरे के जो इस तरह के दागी छवि के नेता हैं उनको ठिकाने लगाने पर लगे हुए हैं। अंतारी बंधुओं के खिलाफ भी अखिलेश में गुस्सा है, शिवपाल यादव उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से सब अपने अपने खेमे को संतुष्ट करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, वो चाहे जितना खराब हो, जितना करप्टेड हो, जितने उस पर दाग हो। दोनों पक्षों में ये एक युद्ध चल रहा है, सीधे युद्ध चल रहा है कि अपने अपने खेमे के जितने भी, चाहे वो कितना ही खराब नेता हो, उसको स्थापित करना करके अपने गुट को मजबूत बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अगर राजीव जी, अगर हम बात करें, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समझ में आता है जो सबके सामने, देश की जनता के सामने बात आ रही है कि जब एक परिवार के हाथ में सत्ता चली जाती है तो फिर क्या कुछ हालात देखने को मिलते हैं। ये हालात आज देश के सामने हैं और उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ा उदाहरण इन हालातों का। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि निश्चित रूप से जब सत्ता की शक्ति दिखती है तो निश्चित रूप से इसी तरह का ड्रामा दिखाई देता है, इसी तरह की सारी चीजें होती है राजनीति में। और निश्चित रूप से यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इस तरह के इतिहास में नहीं उदाहरण है जब सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों ने अपने ही लोगों को मार डाला, उनकी जान के खून से हाथ रंग लिए। और निश्चित रूप से जिस तरह की कलह समाजवादी पार्टी में बढ़ रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2-4-5 साल बाद निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं बहुत खराब स्थिति में समाजवादी पार्टी की स्थिति होगी। राजीव जी, एक अहम सवाल और आ जाता है कि 5 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र अखिलेश यादव को सत्ता सौंपी थी, उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी थी। ऐसे में जो फैसले इस वक्त मुलायम सिंह यादव ले रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ती थी अखिलेश यादव को यह बात सोचने की कि एक पिता ने मुझे 5 साल पहले सत्ता सौंपी थी, आज मैं लड़ू ना उस सत्ता को लेकर, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श किया जाए और आगे अच्छे से काम किया जाए, परिवार भी ना बिखरे और पार्टी भी ना बिखरे।
देखिए मुलायम सिंह जी की एक सबसे बड़ी विचारों की परेशानी यह है कि वो ना भाई को छोड़ पा रहे हैं ना बेटे को छोड़ पा रहे हैं। बेटे का मोह भी उन्हें दिखाई दे रहा है। कल जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप माफ कर देंगे अखिलेश, तो उन्होंने कहा वो बड़ा नेता है, माफी मांगेगा तो बेटा तो है ही। तो इस तरह की बात है। दूसरे शिवपाल का जो उनके साथ एक लगातार साथ बना हुआ है, उस वक्त में शिवपाल ने सब कुछ झेला है, अपमान झेला है, पुलिस की पिटाई झेली है, हमले झेले हैं, शिवपाल ने कभी मुलायम सिंह जी का साथ नहीं छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मुलायम के प्रति भी प्यार शिवपाल का है और वो हमेशा कहते हैं कि मेरी इस लड़ाई में शिवपाल हमेशा साथ लगा रहा है। अखिलेश ने अपना संघर्ष समाजवादी पार्टी की स्थापना में नहीं किया है। निश्चित रूप से एक समाजवादी पार्टी में अखिलेश की जो ताजपोशी हुई थी वो उस वक्त हुई थी, उसमें रोल था, सोसाइटी यात्रा उत्तर प्रदेश में की थी, लेकिन स्थापना में जहां तक रोल है वो शिवपाल और मुलायम सिंह का बहुत बड़ा रोल है। एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर अखिलेश चाहें कि दोनों की अनदेखी करके समाजवादी पार्टी को चलाएं तो वो असंभव दिखाई देता है। दोनों का मान सम्मान और उनकी इच्छाओं का सम्मान अखिलेश को निश्चित रूप से करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को उनको आगे बढ़ाना। राजीव जी, एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अखिलेश यादव है, सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है, अखिलेश यादव को जो यूएस सलाहकार है उनकी एक मेल लीक हुई है। उस मेल में ये खुलासा हुआ है कि ये कहा गया उस मेल में कि अखिलेश यादव को अगर चमकाना है तो कुछ ना कुछ फैमिली ड्रामा आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मीडिया में आपको आना पड़ेगा, सुर्खियां आपको बनना पड़ेगा। मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है पहले से। इस स्क्रिप्ट के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी दिमाग है। भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेज हमेशा एक साल पहले से कहते आ रहे हैं समाजवादी पार्टी हमारी सरकार बना के जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह की जहां तक खबरें आ रही, तो मुझे लगता है कि नूरा किश्ती कहीं ना कहीं दिमाग भारतीय जनता पार्टी का भी इसके पीछे चल रहा है। जी राजीव जी, अगर बात करें वेबसाइट की, तो समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अखिलेश यादव का निष्कासन का पत्र था, रामगोपाल यादव का निष्कासन का पत्र था, उसे हटा दिया गया, शिवपाल यादव को हटा दिया गया, ऐसा कुछ आपको जानकारी है? हाँ, पैकअप की तैयारी चल रही है। आजम खान, निश्चित रूप से आजम खान लगे हुए हैं और बड़ी मजबूत नेता है आजम खान, उनका मुलायम सिंह भी सम्मान करते हैं और उनका थोड़ा सा झुकाव अखिलेश की तरफ भी है। तो आज मुझे लगता है अगले 24 घंटे में इसका सारा कलह का जो हल है वो निकल जाएगा और कहीं ना कहीं पैकअप एक हो जाएगा, उस तरफ समाजवादी पार्टी बढ़ती दिखाई दे रही है। नहीं, कुल मिलाकर देखिए हल निकल जाएगा राजीव जी, जनता हल भी निकल जाएगा, दोबारा पैचअप हो जाएगा, दोबारा फिर एक साथ मिलकर ये लोग चुनाव भी लड़ लेंगे। लेकिन ऐसे में हालात समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता करे तो क्या करे, क्या वो फिर से एक परिवार को चुने जो परिवार बार बार लड़ता रहे सत्ता को लेकर, कुर्सियों को लेकर, मंत्रियों को लेकर, विधायकों को लेकर? देखिए अभी तक भारत के जो मतदाता का रुझान है वो हमेशा भावनात्मक मुद्दों पे, तत्कालिक मुद्दों पे वोट करता है। पुरानी बातें, 6 महीने पुरानी बातें मतदाता हमेशा उत्तर प्रदेश का और भारत का, इंडिया का जो है भूल जाता है। तो निश्चित रूप से अभी जो चल रहा है उसे, क्योंकि एक स्थापित वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास है, विपक्षी पार्टियों के पास भी स्थापित वोट बैंक, और मुझे नहीं लगता कि राजीव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी खबर पर बात करने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार राजीव प्रताप सैनी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद थे। जिस तरीके का आकलन पत्रकार कर पा रहे हैं, जिस तरीके का आकलन किया जा सकता है, वो आकलन ये है कुल मिलाकर के स्क्रिप्टेड सब कुछ है, सब कुछ एक नाटक खेला जा रहा ताकि सुर्खियां बनी जाए। एक मेल भी लीक हुआ, उस मेल के जरिए भी खुलासा हुआ है, लेकिन इस सब के बीच जनता परेशान है, जनता कंफ्यूजन में है, जनता को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है, समाजवादी पार्टी के कलह का ये दौर आखिरकार कब तक चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप समाचार टुडे पर देख पा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी की जो कलह है उस कलह में नए नए पेच लगातार फंसते जा रहे हैं। बाप बेटे के सामने शर्त रखता है, बेटा बाप के सामने शर्त रखता है, कुल मिलाकर ये कहा जाए तो पैचअप होने की तैयारी पूरी इस मामले को लेकर चल रही है। वक्त एक ब्रेक का है, इस बड़ी खबर पर समाचार टुडे की नजर लगातार बनी हुई है।